ये नया फैशन है ना, ये देखो। ये भी अच्छा लग रहा है ये ड्रेस। आज का मेरा स्पेशल डिनर कुछ ये है। मुझे तो जाना है जनरल में, अभी जो सबसे पहले ट्रेन मिल जाएगा उसी में बैठ के जाने का सोच रहा हूँ। मैं अपने घर में कबाब बनाया और कबाब तो बन चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। तो सुबह सुबह मैं अभी पूरा मस्त तैयार हो चुका हूँ और यहाँ से अभी मुझे जाना है गुवाहाटी के लिए। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा तिनसुकिया, क्योंकि हम लोग का सबसे नजदीक जो रेलवे स्टेशन है वो तिनसुकिया। एंड फिलहाल सुबह के अभी बज रहे हैं 6:40 ऑलमोस्ट। तो अभी मैं किसके साथ जाने वाला हूँ आप लोगों को पता ही होगा, ऑलवेज जिसके साथ मैं जाता हूँ तिनसुकिया उनके साथ ही जाऊँगा। एंड कुछ मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं कि हमारा ये जर्नी कैसा रहता है यहाँ से लेके तिनसुकिया तक और उसके बाद वहाँ से गुवाहाटी तक। एंड गुवाहाटी में मैं कुछ दिन स्टे करने वाला हूँ, थोड़ा सा दुकान के बारे में सामान वगैरह देखना है कि कैसे सस्ता मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सब भी थोड़ा देखूंगा। उसके साथ ही साथ मैं और कहीं भी जा सकता हूँ, श्योर नहीं एग्जैक्ट, बट अब व्लॉग में बने रहेंगे तो पता चल जाएगा। इस व्लॉग में नहीं, मतलब हमारे चैनल में बने रहेंगे तो पता हो जाएगा। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ अभी यहाँ से दुकान के लिए। एंड कल मैंने कुछ वीडियो शूट किया था वो देख लीजिए, एंड उसके बाद हम मुलाकात करते हैं। वाओ, व्हाट अ फैशन, हमको बोला गया कि आप अंजुमन को छोड़ दो बोले, तो मैं उसी का कम्प्लेन करने आई हूँ क्योंकि कमेंट तो देखा नहीं इन्होंने, तो मैं फेस टू फेस ही बताने आई हूँ। छोड़ने आया बोले पकड़ा ही वही तो पकड़ के रखेंगे। हम तो सोचा था आपके घर पे जाएगा। क्यों नहीं जा सकते? नहीं पता ना खबर, मेरा स्कूटी का सीज हो गया इंजन। मछली मारने गया था और मछली मारने के लिए हमको नदी में जाना चाहिए था, स्कूटी को लेकर नदी में घुसा दिया। हाँ हाँ देखा था वो, लेकिन हम मतलब ध्यान नहीं दिया। वो क्या क्या बोल रहा था, क्या क्या ठीक करने के लिए बोल रहा था समझ भी नहीं पा रहा था। हम बोला कितना पैसा लगेगा, तो 6,000 रुपये। हम बोला सर इतना का स्कूटी है, 6,000 रुपये लगे जाएगा, इससे अच्छा नया खरीद लेगा कुछ मिला के। थोड़ा मेहनत नहीं कर सकते हो जाने के लिए मेरे घर? वही अब सोच रहे कैसे जाएगा, हम किसी से मांगना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत करके आइए, वो तो जाना पड़ेगा ना, एक ना एक दिन तो जाना ही है। चलिए आप भी जाइए क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो रहा है। हाँ बिल्कुल चालू नहीं हो रहा है, कीक नहीं मारा रहा है, कीक मराने से भी तो चालू हो जाता। मछली तो काफी मिला था ना उस दिन, पर हम उस दिन भी छोड़ दिया, मछली का ध्यान ही नहीं। अब वहाँ से लेके यहाँ तक ठेल के लगे, सोचा किसी को फोन करेगा, फिर सोचा कि रास्ता भी ऐसा है, कोई ठेलेगा भी कैसे, तानेंगे भी कैसे। हम बोला हाँ ठेल चलो 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 ऐसे कर, पर मजा आया। चले जाइए आप भी अच्छे से जाएगा। एक बार इधर देखिएगा कैसा हुआ है। ओह ठीक हुआ है, पानी सर बचने से काफ़ी है, सर ही तो भीगने से भी ठीक हो जाएगा, सर से सारा कनेक्शन जाएगा ना। दुनिया लगे से थे, अभी मैं अपना हेयर कट वगैरह करके आ चुका हूँ, एकदम हल्का हल्का ट्रिम करवाया। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे वाला हेयर स्टाइल रखा हूँ, इधर एक साइड रहेगा इधर कुछ नहीं रहेगा, या फिर तेरे नाम वाला स्टाइल। आई एम लिटिल कन्फ्यूज, आप लोग सजेस्ट करना। ये गए ऐसे तेरे नाम स्टाइल या लाइक ऐसे वाला या ऐसे वाला, तो मुझे पसंद नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना, उसके हिसाब से मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज करूंगा कुछ दिनों के लिए, फिर उसका बड़ा हो जाएगा तो फिर तेरे नाम तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेट अपने आप आ जाएगा। ओ प्यारे प्यारे घर पे क्या आए हैं, मैं कब आए सही ना, अब भी पता चल रहा हमको तो। शांति शांति है, कोई भी हल्ला नहीं। हाँ हाँ मेरा हाथ काटेगा, इसको दूध पीना, में दूध पीना है लोगों, ये देखो कानवा इतना सूज को नहीं है, देखो ना सीधा नहीं हुआ अभी तक, तो वो सीधा ना होइला, जब पैदा तो तभी सीधा होता है, पैदा होके एकदम तब सीधा होना पड़ता है। किसी को पता ही क्या, हमको तो अब भी पता चल रहा। आओ आओ
काली, इसका नाम कालू, इसका नाम काली। तो किस दोनों कालू कालू लड़का लड़की है कि दोनों लड़के? ओह काले काली कालू। आ देखो आ देखो दूध पीने के लिए ढूंढ रहे पूरा। आओ 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 ले जा रहा दूध पिलाने। कोई तो दूध पिलाने ले जा लोगों। भाई भी लड़ जा रहा देख रहा है। नहीं सुझी तराबा कहीं है तो ये है आगे साल के। अपने घर में कबाब बनाया और कबाब तो बन चुका है, अब उसका बना रही है क्या बोलते बर्गर। बर्गर बना रही है, एक छोड़ रहे तो खाएगा उसे एक छोड़ रहे। और कितना ऑयली दिख रहा है रे। ऑयली दिख रहा है ना। सही बना है? इतना सही नहीं बना है, फर्स्ट टाइम ट्राई, इसलिए हम ब्लॉग भी नहीं बनाए। ये फर्स्ट टाइम कुछ भी हो सकते हैं, पर ठीक ही ठाक दिख रहा है उसका जो वो जो देख रहे हो ना वो ठीक ठाक ही दिख रहा है। फिलहाल यहाँ पर मेरा जो नया बैग रिसेंटली खरीदा था आज उसका इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े वगैरह निकाल लिए। तो सीन ऐसा है कि जितने भी मुझे कपड़े लेकर जाने थे ना, जो जो मेरा फेवरेट था वो लेके जाना था, वो सारा का सारा गीला है। दो दिन पहले कपड़ा उसको धो के रखा था और दो दिन से अभी तक वो कपड़ा वैसे का वैसे गीला है। बारिश बारिश बारिश, बिल्कुल भी धूप नहीं हो रहा। तभी मजबूरी में फुल शर्ट वगैरह लेके जाना है, नहीं से मैं मोस्टली ना हाफ टी शर्ट पहनने के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो कुछ इतने ही कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब जल्दी से अपना ओके खाएंगे, तो ये अपना पैकिंग भी कर लेते हैं, साथ ही साथ बर्गर भी खा लेते हैं। एक बार खा के देखो, टेस्टी लगा। मेरा बारे ये घर का होममेड बर्गर, इसमें सॉस वगैरह कुछ भी नहीं है, बट टेस्टी लगा। अच्छा शीशा टू रख दे, दो टू शीशा क्या करेगा, अपने आप में रख दो। टेस्टी लग रहा है ना बर्गर, अच्छा सही अच्छा लग रहा है। बर्गर का खूबसूरती दिखा रहे हो, तो ब्लड हो रहा है क्यों? ब्लड हो रहा है। हाँ अब दिखा बर्गर, इतना पैकिंग है, वो पैकिंग वगैरह करता है। और आप लोगों से मिलते हैं, चोरी कर लिए अपने भाई के कपड़ा चोरी कर लिए, तो कल मिलते हैं सुबह यहाँ से जब निकलेंगे तब। फाइनली हम लोग तुलसीका पहुंच चुके हैं दादू, धन्यवाद। अभी भाई बारिश भी हो रहा है और अपना जल्दी से बैग वगैरह निकालता है और चलते हैं भाई यहाँ से। गंदगी तो नहीं लगी? मैं सोच के रखा था कि चंडीगढ़ ट्रेन से मैं जाऊंगा यहाँ से गुवाहाटी के लिए, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि आज के डेट में चंडीगढ़ ट्रेन यहाँ से जाती नहीं है, उसी मंडे को निकलती है। तो भाई थोड़ा सा सुबह सुबह पोपट हो गया। एंड फिलहाल अभी 9:18 हो चुका है, तो और एक ट्रेन है जो अवध असम, जो कि यहाँ से एवरी वीक मतलब हमेशा चलती है हमेशा, तो वो ट्रेन यहाँ से निकलेगी 11:15 में। तो मेरे पास अभी काफ़ी समय है, तो थोड़ा सा काम है, वो काम वगैरह भी जल्दी कर लेते हैं, और जो काम कंप्लीट करने के बाद जो सामान वगैरह लेके मैं आऊँगा वो यहाँ पर आके दूँगा। यहाँ पर विंगर लगा हुआ है उसको, अभी मुझे जाना पड़ेगा आगे की ओर। और बारिश हल्की हल्की काफ़ी ज़्यादा हो रही है भाई, ये वाला बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। भाई तिनसुकिया में तो वैसे ही ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, पब्लिक इतना ज़्यादा होता है, और बारिश होने के बाद ना रास्ता इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है ना, चलने के लिए भी इरिटेट लगता है। तो फिलहाल मैंने अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हूँ, एंड ये सीजर को अभी मुझे धार करवाना है। अब कौन से दुकान में जाना है पता नहीं, जहाँ से हम लोग करवाते हैं हमेशा वो जगह अभी तक बंद है, मुझे जितना जल्दी हो सके करके जाना पड़ेगा। अंकल इधर ये कैसी धार करने के लिए, किधर? इधर अंदर। इतना गली गली में भी होता है क्या? इधर भाई साहब, वाह इतना अंदर में दुकान खोल के रखे भैया, ये थोड़ा धार कर दीजिएगा जल्दी। कौन लेगा? अच्छा जल्दी कर दीजिए क्योंकि ट्रेन पकड़ना है। जी जी, कहाँ रहते? हम तो रहते इधर ही, बस जाना है कहीं दूर। बहुत मुश्किल है यार इस बारिश में इधर उधर सामान लेना, उसके बाद अभी ट्रेन का टाइमिंग भी ऑलमोस्ट होने वाला है, 10:30 हो चुके हैं, 30 मिनट्स के अंदर मुझे पहुंचना पड़ेगा स्टेशन में, उसके बाद टिकट काटना पड़ेगा। लेट्स से क्या होता है, हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है भाई।
काफी ज्यादा बारिश हो रहा है और थैंक गॉड कि छाता मिल गया, छाता नहीं मिलता तो घर से आना पड़ता। अब यहाँ से शुरुआत होगी मेरी ट्रेन की जर्नी गुवाहाटी तक के लिए। सबसे पहले ऑटो में बैठेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे रेलवे स्टेशन। फिर रेलवे स्टेशन जाएंगे ना, आगे बैठ सकते हैं क्या? स्वागत है आप लोगों का तिनसुकिया रेलवे स्टेशन में। पहले यहाँ पर यह हुआ करता था बस एक ट्रेन के बोगी में कैफे, अभी यहाँ पर देखो एक प्रधान क्या भारतीय जन ठीक है केंद्र जो भी वो बन चुका है एकदम स्टेशन के पास में। तो कितना समय चुका भाई, 10:43 हो गया, जल्दी से जाके टिकट काटता हूँ उसके बाद लेट से क्या होगा। एंड समय से तो थोड़ा पहुँच गया हूँ, 11:50 को आएगा ट्रेन। और ये बारिश में सफ़र नहीं करना चाहिए, बहुत गंदा वाला फीलिंग आता है। मुझे तो जाना है जनरल में, अभी जो सबसे पहले ट्रेन मिल जाएगा उसी में बैठ के जाने का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अपना तो टिकट वही प्राइस लगेगा चाहे अवध असम में जाओ चाहे कोई भी ट्रेन में जाओ। फिलहाल कोई एक ट्रेन आ रहा है, कौन सा ट्रेन है पता नहीं, अगर हो पाएगा तो इसमें से जल्दी से बैठते हैं और गुवाहाटी के लिए निकलते हैं। और अवध असम, ये अवध असम ही है और ट्रेन लेट चल रहा बोल रहा था। चलो भाई 11:05 हो गया। सुबह सुबह अंकल ने मेरे साथ मजाक कर लिया, ये ट्रेन है नाहरलगुन टू तिनसुकिया, ये आई थिंक अभी जाएगा नाहरलगुन। आज तक जितने बार भी हम लोग ट्रेन से सफर किए तो मोस्टली अवध असम और साथ ही साथ चंडीगढ़, बट जब भी अवध असम ट्रेन में हम लोग ट्रेवल किए ना वो हमेशा और हर दिन लेट होता है, आज भी स्टार्टिंग से ही लेट है। इसका टाइमिंग था यहाँ पर आने का 11:05 में, बट अभी देखो 12:37 हो चुका है, स्टार्टिंग से ही 2 घंटा जैसा लेट है। अब पता नहीं ये गुवाहाटी पहुँचाते कितना लेट करेगा। फिलहाल अभी आने वाला है चौबुआ तक पहुँचेगा, 5 मिनट लगेगा उसके बाद पहुँच जाएगा न्यू तिनसुकिया। एंड लेट सी कि कैसा भीड़ होगा, क्योंकि काफ़ी ट्रेन लेट चल रहे भाई, काफ़ी सारा ट्रेन स्टार्टिंग से। कहीं ऐसे सुनने में आया कि रास्ता में कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक्सीडेंट वगैरह समथिंग ऐसे ही, अब श्योर मुझे भी नहीं पता। अब जो भी हो भाई ट्रेन आ जाए समय से पहुँचे हुई काफ़ी है। और ये रहा हम लोगों का तिनसुकिया रेलवे स्टेशन, काफ़ी सारे लोग हैं भाई। अब 2 घंटे से ज़्यादा लेट कराने के बाद फाइनली आ चुका है बैलगाड़ी अवध असम बोल के, इसका ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकते हम, है कि ना भैया? अवध असम बोलेंगे तो ज़्यादा तारीफ हो जाएगा, बैलगाड़ी। और काफ़ी सारा लोग भाई जनरल में जाने के लिए लगे हुए हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ जनरल में जाने के लिए। इतना ज़्यादा भीड़ था ना भाई, इतना ज़्यादा भीड़, बट बहुत मुश्किल से सीट मिल चुका अपना, जैसे भी हो एडजस्ट करके। और इधर देखो भाई पूरा तबाही चल रहा है सीट के लिए, अपना लगेज को वहाँ पर रख दिया हूँ और मुझे सीट मिल चुका ऐसी जगह में, तो कोई नहीं आराम से बैठ के चल जाएंगे। आई थिंक 12:00 या 11:00 पहुँचाऊंगा गुवाहाटी, समय से ज़्यादा तो मैं समय कितना देखो इंजन कितना ज्यादा आवाज कर रहा है, इंजन है बैक साइड वाला। फिलहाल मैंने खाने के लिए ये पर रख दीजिए 20% दुईटा, हम सोचे 20 रुपया ले रहे हैं क्या, हमको गिफ्ट दे रहे हैं। सुबह सुबह बॉयल अंडा ले लिया, अभी ये छील के नहीं देते क्योंकि इनका इन लोगों का हाथ थोड़ा सा हाइजीन नहीं होता ना, इसके वजह बोल रहे कि आप लोग अपने से छीलो अपने से खाओ, तो ये बेस्ट है। अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए पता नहीं, ओहो भोजो पहुँच गए भोजो, इतना मस्त लोकेशन देख रहा भाई, दूर दूर तक देखो पूरा हरियाली, ऐसे जगह में जाने का एक अलग से मज़ा। खैर अंडा छीलते हैं खाते चलते हैं। Thank you.
भाई ट्रेन को तो रुकने दो, ट्रेन को रुकने दो, चलो। अरे भाई ये देखो टीमापुर का हाल। नाम ना आप लोग नाम ना दो पहले आदमी लोग को भाई। ये देखो भाई डिमापुर में चल अंदर चल। हम लोग पहुंच चुके हैं डीमापुर और डीमापुर से हमारे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर है। जितने भी लोग डीमापुर से मुझे देख रहे हैं थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना प्यार है सपोर्ट के लिए। एंड जैसे हम डीमापुर में पहुंचे भाई ये जगह में क्या ही सीन हो गया था भाई। मैं एक्चुअली बाहर इसलिए निकला हूँ क्योंकि कोई शख्स मुझे मिलने के लिए आ रहा है, काफी दिनों से इंतजार करता मिलना है वो आ रहे तो उनका इंतजार करो बाहर पे। बस भाई ट्रेन थोड़ा देर रुक जाने से पता चला कि उनसे मुलाकात भी नहीं हुआ और ट्रेन भी निकल जाएगी। और भाई अपना सीट यहाँ पर है, ये देखो भाई ये वाला सीट है, कोई भी बैठेगा तो भाई उठा ले लूंगा। इतना भाई ऐसा हालत हो गया था जैसे लग रहा था कि कोई रेस चल रहा है, आर्मी का जो रैली होता है ना उसमें कट हो गया वैसे वाला सीट चल रहा था। बस ट्रेन थोड़ा देर रुक जाए और आओ, क्या मस्त वेदर दिख रहा है भाई यहाँ से ये देखो। बट आप लोगों को मैं बता रहा था कि एक भैया एक शख्स मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, काफ़ी मतलब लेट हो गया, वो पूरा दौड़ते दौड़ते भी आ रहा था, उनका सांस भी एकदम फूल रहा था, फिर भी लेट हो गया। टाइमिंग दिया था बट पता नहीं क्या कहीं काम पे बिजी हो गया इसके वजह से, अफसोस लगा। और उससे मिलने के लिए मैं काफ़ी पीछे तक भी गया था बट फिर भी नहीं मुलाकात हो पाया, अफसोस। मैं एकदम इंजन के पास में था और अभी ऑलमोस्ट 8 या 9 बोगी को पीछे आया हूँ, मुलाकात कर लेंगे, काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं और एक पल भी मिल रहा था। बट कोई नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का आपसे मिलेंगे। अभी पहुंच चुका हूं मैं गुवाहाटी और यहां पर आने के बाद मुझे लगा ट्रेन थोड़ा सा खाली होगा बट इतना ज़्यादा भसर मचा हुआ था ना, निकलना भी मुश्किल हो गया था। अभी चलते हैं सबसे पहले कुछ खाने पीने के लिए, काफ़ी ज़ोर से भूख लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और बाहर जाके देखते हैं कि क्या खा सकते हैं, क्या मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था तो थोड़ा सा अजीब सा था। बट कोई नहीं, अभी दिखते हैं कि क्या मिलता है खाने के लिए, कुछ अच्छा खाते हैं, काफ़ी ज़ोर से भूख लगा हुआ है और ट्रेन में कुछ खा के आए नहीं, चलने के बाद नहीं। तो भाई लिफ्ट का सहारा लो, ये चीज़ थोड़ा अच्छा कर दिया, लिफ्ट बना दिया, इंसान को और ज़्यादा आलसी बना दिया, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज मैं पहली बार आया हूँ ट्रेन के अंदर में लंच करने और डिनर करने के लिए। अपना फ़ोन का बैटरी भी डाउन हो चुका है तो सबसे पहले चार्ज करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या है ऑर्डर कर सकते हैं। यार मैंने अपना चार्जर कहाँ रख दिया, वही कंफ्यूज हो रहा अभी। आई थिंक आई गॉट इट। कैफे गोल्ड फिस्ट, लेट मी सी क्या खा सकते हैं अभी। इतना बड़ा मेन्यू देख के ना मैं कंफ्यूज होता, लूँ तो क्या लूँ। सबसे पहले मेन्यू चेक कर लेता, अपना फ़ोन चार्ज कर लेता, ओनली 20% चार्ज है। काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज दिया है भाई, ठंडा है, एसी है। अबे लग जा, ये गया फ़ोन चार्ज। उसके बाद ये सामने आपका रेलवे स्टेशन, उसके सामने आपको ये गोल्डन फिस्ट, क्या पता नहीं कैफे गोल्डन फिस्ट समथिंग कुछ था। अब इसका प्राइस वगैरह देखते हैं क्या है, सबसे पहले पसंद कर लेते क्या खाना है क्या नहीं, उसके बाद आपको बताएंगे प्राइस क्या है। अपना फ़ोन भी चार्ज कर लेता, पूरा ख़त्म होने वाला है।
सारा कुछ देखा उसमें से बस एक ही पसंद आया, मिनी भैंस थाली। मेरा ये है मिनी भैंस थाली कर दीजिएगा। मिनी भैंस थाली। अच्छा भैया इधर पे क्या स्टे के लिए रूम मिलेगा क्या? मिलेगा, वो साइड मिलेगा ना, रूम मिलेगा। मतलब के ज़्यादा कॉस्टली नहीं है? 600 500 ये दे देना, उसके बाद उसको अंदर करके ये रोटी और उसके बाद सर का एक मिनी थाली निकाल दो। वेज राइस रोटी, राइस चाहिए रोटी चाहिए सर? उसमें वो जो मिक्स है सब, वो जो जो होगा ना ये सब मिलेगा ना इसमें? ये हमें लिखा है सर। और इफ़ यू वांट नहीं, मुझे दोनों खाना है, तो कभी हेल्प चाहिए। रोटी भी चाहिए, वो भी राइस भी चाहिए, तो रोटी का एक्स्ट्रा पैसा पड़ेगा। एक्स्ट्रा करेगा ना? और दो रोटी का कितना पड़ रहा है? दो रोटी का 40 रुपये पड़ेगा सर। हाँ वो कर दीजिए, दो रोटी ना, और वो ये जो राइस में थे। हाँ आज का मेरा स्पेशल डिनर कुछ ये है। तो ये है मिनी वेज थाली, यहाँ पर आपको ये सब कुछ 200 रुपये के अंदर मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा चावल रोटी या चावल लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैंने रोटी लिया भाई, रोटी खाना ही पड़ेगा। तो दो रोटी का मुझे पड़ा 40 रुपीस और इसका पड़ेगा 200 रुपीस। तो आज का मेरा डिनर यही है, डिनर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि रात कहाँ गुजारेंगे हम। ऐसे तो ये जगह काफ़ी अच्छा है रात बिताने के लिए, बट सबसे पहले खा लेते, काफ़ी ज़ोर से भूख लगा हुआ भाई।